नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह राठौर फ्रॉम वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अ लीडिंग टिश्यू कल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री कंपनी। हम लोग इंडिया ही नहीं, पैन इंडिया ही नहीं, हम लोग अफ्रीका में भी बहुत सारे देशों में काम करते हैं, जो कि एक भारत की लीडिंग टिश्यू कल्चर कंपनी है। हम सगवान के अलावा बहुत सारे एग्रो फॉरेस्ट्री काम करते हैं, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी काम करते हैं। दोस्तों, एज यूजुअल हम आज फिर बुलंदशहर में आए हैं। इनफैक्ट अपने टीम का वर्कशॉप कराने आए हैं, यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हम एक शूट यहाँ कर रहे हैं ताकि ये पौधे को हम दिखा सके कि ये हमारा टिश्यू कल्चर प्लांट जो सगवान का कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये 3.5 साल में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप फार्म देख रहे हैं, आज इसका 3.5 साल पूरा हुआ है। और ये 3.5 साल में क्या ग्रोथ किया है, क्या गर्थ बनाया है, इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसका डिस्टेंस इतना होना चाहिए। एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि इतना से कम होगा तो इसका ग्रोथ नहीं करेगा। एक आ रहा है कि ये बहुत 40 सालों में सगवान जाके पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टिश्यू कल्चर सगवान प्रोजेक्ट की, जो कि 12 साल में ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है। और ये 12 साल में प्रोजेक्ट क्या गर्थ बनाता है, क्या हाइट बनाता है, इसका मिसाल है। ये 3.5 साल का पौधा है। 3.5 साल के पौधे में आपको हम दिखाएंगे कि इसका रूट गर्थ क्या है, इसका डिवीएच गर्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है। कोई भी पौधा का एक एवरेज पौधा उठा ले, हम इसकी गर्थ दिखाएंगे। थोड़ा सा प्रदीप जी इस पर जरा फोकस करिए। ये 18 इंच का इसका गर्थ रूट है। अगर हम डीबीएच की बात करें, ये भी 13 इंच का, यानी 1 फीट की इसका सीने के पास इसका गर्थ है। ये हुआ है 3.5 साल में। दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि 12 साल का एक प्रोजेक्ट है और 12 साल में इसका जो गर्थ होना है 3 फीट का होना है। हाइट 35 फीट की होती है। अगर हाइट की भी बात देखें तो ऑलरेडी 25 फीट से ज्यादा की हाइट इसकी होती है। कोई कोई पौधा इसमें ऐसा है, अभी 1/3 टाइम कंप्लीट हुआ, अभी इस प्रोजेक्ट में 8 साल से ज्यादा टाइम बचा है। ये क्यों नहीं होगा 3 फीट की मोटाई, क्यों नहीं होगा 35 फीट की हाइट, अगर आप देखेंगे तो परसेप्शन चीजें है। दूसरा चीज कि मैं इसका डिस्टेंस आपको दिखाऊंगा कि कितने डिस्टेंस पर लगा है। लोग कहते हैं कि 10x10, 12x12, क्यों 10x10, 12x12, मुझे इसका कंसेप्ट नहीं समझ में आया आज तक। एक पौधा अगर अपना फीडिंग करता है, अगर अपने फीड लेता है, तो सिर्फ अपने 3 फीट के दायरे से वो अपना फीड लेता है। आप इसका साइंटिफिक रीजन डालिए कि एक पौधे की मोटाई इसके फीडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मौसम बारिश का है, लेकिन फिर भी इसमें 75% से ज्यादा इसका घर सनलाइट आता है जमीन के ऊपर। मैं कई सारे पौधों को नाप करके दिखाऊंगा। प्रदीप जी आइए, आप देखिए इसको ऊपर तक देखिए सारा चीजें। ये हमारी पूरी टीम आई हुई है वर्कशॉप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। हम लोग प्रोफेशनलिज्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर चीजें आप नहीं समझेंगे तो हम समझा कैसे पाएंगे। यही रीजन है कि हम आज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर आए हुए हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये शानदार प्रोजेक्ट जो 3.5 साल सिर्फ कंप्लीट किया हुआ टिश्यू कल्चर प्लांट्स का। जी हाँ दोस्तों, हम नॉर्मल प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीड से तैयार किए हुए पौधे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना प्रोजेक्ट है जो पैन इंडिया में लगा हुआ है। आप कहीं भी जाकर देखेंगे सेम ग्रोथ पाएंगे, सेम एज के पौधे में सेम ग्रोथ पाएंगे। 1 साल का पौधे का ग्रोथ क्या होता है, 2 साल का क्या होता है, 3 साल का, हम सारा इसका एनालिसिस करते हैं। और इस बेस पर ये प्रश्न बनाया गया है कि 12 साल में पौधा 3 फीट से ज्यादा गर्थ, 35 फीट से ज्यादा हाइट को मेंटेन करेगा। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, अगर इन सब पौधों के ग्रोथ के बारे में देखें तो ये 4 फीट से ज्यादा की जाएगा इसका गर्थ, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे पास नर्सरी मैन बोलते हैं कि हमारे पास टिश्यू कल्चर पौधा ले जाओ, इस रेट में मिलेगा। एक रेट होता है जिसको वो बोलते हैं, जो काफी डिफरेंसेस होता है। मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वालिटी का चीज आप लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होगा। अगर वो सीड वाला प्लांट आप लगाएंगे, डेफिनेटली वो 30-40 साल आपको टाइम लेगा आपके केयरिंग के ऊपर। लेकिन ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स है, 12 साल का प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हुआ तो 12 से 14 साल में चीजें ये कंप्लीशन हो जाता है।